आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो 2020 का पेपर आया है 5th सेम ईसी वालों के लिए, मेजरमेंट 2 का पेपर है ये। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉरी हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनके बीच शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेक्चर्स बना सकें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी है हमारी पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा हमारी टेलीग्राम आईडी, जिससे आप हमें वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, सेम चैनल का नाम पॉलिटेक्निक जिंदगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आप फीडबैक हो हमारे वीडियोस के लिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आपका आज का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए डीवीएम मेजर्स, जो एक डीवीएम होता है वो क्या मेजर करता है? पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू या एवरेज वैल्यू? तो जो आपका डीवीएम है वो आपका मेजर करता है एवरेज वैल्यू। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली, ये जो पोटेंशियोमीटर होता है वो क्या होता है? ए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, बी डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, सी ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट या नन ऑफ दिस? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले इज यूज फॉर न्यूमेरिक डिस्प्ले ओनली? 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 14 सेगमेंटल डिस्प्ले, डॉट मैट्रिसेस या नॉन ऑफ दिस? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 7 सेगमेंटल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर फोर, द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल सोर्स आर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल शुड बी नोन। ऑप्शन बी द आउटपुट सिग्नल शुड बी फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस? तो फोर में जो आपका इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो सिग्नल सोर्स का डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक पूछा था तो इसमें दोनों होंगे। सिग्नल सोर्स का डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक की फ्रीक्वेंसी भी नॉन होनी चाहिए और जो आउटपुट होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन होना चाहिए। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज ए कम्बिनेशन ऑफ। तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर पूछा है किसका कम्बिनेशन होता है? सिग्नल जनरेशन इन सीआरओ, नैरो बैंड एसएचडी रिसीवर इन सीआरओ, VTVM एंड CRO या नन ऑफ दिस? तो 5 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, नैरो बैंड SHD रिसीवर, मतलब सुपर हेटरोडाइन रिसीवर एंड CRO। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 6th क्वेश्चन, द रीजन ऑफ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज, या आर पूछा है कि क्या हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का कारण होना चाहिए? कारण होता है प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट, प्रेजेंस ऑफ लीनियर सर्किट एलिमेंट, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस?
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा होगा आपका ऑप्शन ए कि हार्मोनिक डिस्टोर्शन तभी होता है जब आपका नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट होता है। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, एलवीडीटी इज ए, तो जो एलवीडीटी होता है वो ट्रांसड्यूसर पूछा है किस टाइप का होता है, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव या नन ऑफ दिस। तो जो एलवीडीटी होता है वो आपका एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर आर डैश ट्रांसड्यूसर, तो सेल्फ जनरेटर जनरेटिंग जो ट्रांसड्यूसर होता है वो कैसे ट्रांसड्यूसर होते हैं आपके, एक्टिव, पैसिव, एनालॉग या डिजिटल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 9, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग लो प्रेशर इज, तो कौन सा डिवाइस लो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है, स्ट्रेन गॉज, पिरानी गॉज, आयोनाइजेशन गॉज या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पिरानी गॉज। थर्मिस्टर्स हैव डैश जीरो टेम्परेचर कोफिशियंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट या नन ऑफ दीज। तो थर्मिस्टर्स जो होते हैं उनके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इज यार पूछा है, लक्स, सीडी पर मीटर स्क्वायर, सीडी पर स्टर्ड रेडियन और या नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए कि ल्यूमिनेंस है इसकी यूनिट पूछा है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द करेंट थ्रू ए फोटो इमिसिव ट्यूब डिपेंड्स ऑन, जो करेंट होता है फोटो इमिसिव ट्यूब का वो डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन इट, कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो करेंट थ्रू ए फोटो इमिसिव ट्यूब डिपेंड करता है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन ए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट लाइट सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट इंटू इलेक्ट्रिकल पावर इज, फोटोडायोड, सोलर सेल, फोटोकंडक्टिव सेल या फोटो वोल्टाइक सेल आपकी। तो इसका 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी कि जो मोस्ट सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है जो लाइट को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं, फोटो वोल्टाइक सेल। क्वेश्चन नंबर 14, द पर्पस ऑफ यूजिंग आउटपुट सिग्नल एंड इनपुटिंग दैट इनटू ए कंप्यूटर इज, जो प्रोसेस होता है आउटपुट सिग्नल का यूज करके इनपुटिंग दैट इनटू ए कंप्यूटर उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर, डेटा एक्विजिशन, क्वांटाइजिंग या आपका नन ऑफ दिस। तो 14 का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डेटा एक्विजिशन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डेटा एक्विजिशन सिस्टम आर यूजली ऑफ डिजिटल टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप, हाइब्रिड टाइप या नन ऑफ दिस। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम किस टाइप के होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए डिजिटल टाइप। क्वेश्चन नंबर 16, द ए टू डी कन्वर्टर विच हैज रिलेटिवली फिक्स्ड कन्वर्जन टाइप मीन्स SAR, मतलब सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, डिजिटल रैंप कन्वर्टर, DVL स्लोप कन्वर्टर या आपका नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए SAR। मैं लिख भी दे रहा हूँ उसका आंसर,
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, ए वी टी वी एम हैज डैश इनपुट रेजिस्टेंस देन डेट ऑफ मल्टीमीटर, लेस, सेम, लार्ज या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लार्ज। क्वेश्चन नंबर 18, ए वी टी वी एम इज नेवर यूज टू मेजर वोल्टेज, करेंट, रेजिस्टेंस या नन ऑफ दिस। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्यू मीटर इज यूज टू मेजर क्यू फैक्टर ऑफ इंडक्टिव कॉइल ओनली इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्यू मीटर यूज होता है मेजर करने के लिए क्यू फैक्टर ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सेलेक्टिविटी ऑफ रेडियो रिसीवर, एबिलिटी टू रिजेक्ट एडजेसेंट अनवांटेड सिग्नल, एबिलिटी टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल, एबिलिटी टू सप्रेस नॉइस या डी नन ऑफ दिस। तो सेलेक्टिविटी मतलब ही होता है कि आप जो है कुछ स्टेशंस को सेलेक्ट करें और जो अनवांटेड स्टेशंस है उसको रिजेक्ट कर दें। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं दिखा दे रहा हूँ का, जैसे ये है, डिफाइन हार्मोनिक डिस्टोर्शन, नेम एनी टू मेथड यूज टू मेजर हार्मोनिक डिस्टोर्शन, ग्रुप बी में आ रखा है आपका। मैं एक बार बस पेज दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना किस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपके मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिखा दिए कि इस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको पेपर डाउनलोड करना है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो भी अवेलेबल रहते हैं मैं सेंड कर देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जितने भी मेजरमेंट के प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके भी देख सकते हैं, या आई बटन पे भी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो जितने भी वीडियोस बने हैं वो आ जाएंगे। और या अगर आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर देखने हैं तो एक प्लेलिस्ट है फिफ्थ सेम ईसी हमारे चैनल पर ही, फिफ्थ सेम ईसी करके, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए फिफ्थ सेम के लिए वो इसमें पहले से ही अपलोडेड है। तो आप वहाँ जाके भी जितने भी प्रीवियस ईयर हैं फाइंड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।